What does the grass say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 10 सितंबर 2020 थर्सडे है, सुबह के 8:43 हो रहे हैं। थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो काफी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है। कल हमने देखा एक रिकवरी आने की कोशिश यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली। हालांकि जो प्रीवियस डे का क्लोज था उसके नीचे क्लोज हुआ, लेकिन जो डे ओपन था उसके ऊपर ये क्लोज बना है, यानी एक ग्रीन कैंडल बना है। तो आज के निफ्टी में इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, उसको देखेंगे। लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। यह कल का पिक्चर है, यानी 9 सितंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो जैसे कि कल का प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,348 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,258। तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स गैप डाउन ओपन हुआ फिर से एक बार, और यहाँ पर जो सेकेंड टारगेट था ऑलमोस्ट इसी के पास ये ओपन हुआ। तो शुरू में तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बना, और जैसे ये ऊपर गया तो जस्ट ब्रेकआउट लेवल के ब्रेकडाउन लेवल के ऊपर इसने रेजिस्टेंस फेस किया, और फिर से जब ये नीचे की तरफ आया तो हमारा फर्स्ट टारगेट 11,233 और सेकेंड टारगेट 11,213 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ, और इसी रेंज में लगभग पूरे दिन ये ट्रेड होते रहा। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 28 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट के हिसाब से ट्रेड करते तो अराउंड 21,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल यूएस मार्केट में एक जबरदस्त तेजी, एक रिकवरी फेज देखने को मिला। नास्डेक करीब 293 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं, सभी हरे निशान में बंद हुए। और आज जब एशियाई बाजार खुले तो एसजीएक्स निफ्टी 16 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। जापानीज इंडेक्स भी 119 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर देखे तो हालांकि यहाँ पर अभी फिर से एक बार लाल निशान में इस वक्त कारोबार होते हुए नजर आ रहा है। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। वीकली चार्ट में हमने ये फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था, और कल का हमारा सपोर्ट यहाँ पर बन रहा था 11,200 के पास, जहाँ पर ये 100% का लेवल आ रहा है। आप देख सकते हैं कल का लो भी एग्जैक्ट 11,185 है। यहाँ पर जो ये जो लेवल है ये पास्ट में कुछ 3 वीक्स यहाँ पर एक हर्डल का काम कर रहा था, यानी रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वो अभी यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये 11,200 अगर ब्रेक वर्क करता है तो यहाँ पर जब क्लब हो रहा है एक गोल्डन क्रॉसओवर यहाँ पर बन सकता है। तो ये जो सपोर्ट का काम कर रहा है ये जो लेवल, ये ब्रेक होता है तो यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स 10,800 के पास हमें आते हुए दिखाई दे सकता है। ये वीकली चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं हम, ठीक है। डेली चार्ट को देख बात देख लेते हैं। यह डेली चार्ट, डेली चार्ट की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था, ये लो और ये टॉप को पकड़ के। तो कल हमने देखा इसने ये जो 61.8% का लेवल आ रहा है ये भी ऑलमोस्ट अराउंड 11,200 के पास आ रहा था। तो कल इसको इसने रिस्पेक्ट किया, इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, इसको सपोर्ट एज ए काम किया और इसके ऊपर आके ये क्लोज हुआ। तो ये लेवल अभी काफ़ी क्रूशियल बन जाता है। अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो आप देख सकते हैं अप ट्रेंड में ये देखिए कैसे हायर हाइज बन के यहाँ पर काम होता है, और ये डाउन ट्रेंड में यहाँ पर ये लोअर हाइज लोअर लो का काम होता है। तो जब तक अभी ऐसा ये डब्ल्यू शेप में जब तक यहाँ पर लाइन चार्ट में फॉर्मेशन नहीं होता हायर हाई हायर लोस का, तब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगा कि यहाँ से फिर से एक बार हमें अपसाइड मूव देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर इस समय 11,200 मेजर सपोर्ट है, वो ब्रेक होता है तो एज पर डेली चार्ट 11,100 के पास ये 50 EMA आ रहा है, वो एक यहाँ पर सपोर्ट का काम कर सकता है। वीकली चार्ट में देखा हमने 10,800 हमारा सपोर्ट का लेवल आ रहा है, लेकिन उससे पहले डेली चार्ट में 11,100 के पास एक सपोर्ट लेवल है, और ऊपर रेजिस्टेंस है 11,350 के आसपास, जहाँ पर ये पिंक लाइन 20 EMA है, ठीक है। तो ये डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो है। चलते 60 मिनट की चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर ऊपर की तरफ बढ़ता है तो फर्स्ट तो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस के लेवल्स हो सके, 20 EMA और दूसरा है ये पिवट पॉइंट का R1 का लेवल। तो कंफर्टेबली इन दो हर्डल्स को पार होने दीजिए, यानी 11,321 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,341, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,360, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और कल
कल का अगर रेजिस्टेंस लेवल देखें आर्ली चार्ट में क्लियरली आपको दिखाई देगा, 1, 2, 3, 4, 5 आर्स ये कंटिन्यू इस लेवल को पेनेट्रेट कर रहा था 11,250। तो इस लेवल के ऊपर ये 5 घंटे क्लोज नहीं हो पा रहा था, तो ये लेवल हो सकता है आज सपोर्ट का काम करे। तो इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए कंफर्टेबली, तभी इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,231, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 11,207, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।